नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए थे, उसके बारे में देख लिए थे, उसको आप सभी दोस्तों याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, झारखंड के एग्ज़ाम सामने हैं, तो झारखंड को टारगेट लेते हुए हम लोग आज झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी और वीडियो बना सकूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में झारखंड के किस विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। हाल ही में झारखंड के किस विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है, तो यह है पहला करंट अफेयर्स दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड अनुसूचित जनजातीय आयोग विधेयक। तो यह है इसका उत्तर कि जो अनुसूचित जनजातीय आयोग विधेयक जो है उसको विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। अगला देखते हैं, हाल ही में झारखंड और भारत के किस राज्य के बीच ई व्यापार शुरू करने की घोषणा की गई है। दूसरा करंट अफेयर जो है, भारत और किस राज्य के बीच में ई व्यापार शुरू करने की घोषणा हुई है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, झारखंड उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में ई व्यापार शुरू करेगा और अंतर्राज्य व्यापार करने वाले राज्यों में झारखंड 9वां नंबर का राज्य है, 9th नंबर का स्टेट झारखंड होगा जो अंतर्राज्यीय व्यापार करने वाला है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में झारखंड के व्यापारियों के लिए कितने लाख तक कारोबार करने से GST मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है, झारखंड के व्यापारियों के लिए कितने लाख तक कारोबार करने से GST मुक्त करने की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 लाख तक कारोबार करने से GST मुक्त होगा, मतलब तो उसमें GST नहीं लगेगा। पहले यह 20 लाख तक थी। तो दोस्तों, ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि पहले 20 लाख थी और अब 40 लाख कर दिया गया है, फिर GST मुक्त व्यापार हो सकेगा व्यापारियों के लिए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, राज्य का पहला दिव्यांगों का रीजनल सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा हुई है। तो दोस्तों, दिव्यांगों के लिए रीजनल सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा हुई है, इसका उत्तर हो जाएगा नामकुम रांची। तो दोस्तों, यह सेंटर खुल जाने से दिव्यांगों के लिए शिक्षा और रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, शिक्षा के लिए भी ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह जो खोली जाएगी वह नामकुम रांची में खोली जाएगी। हाल ही में झारखंड राज्य में कितने नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। तो दोस्तों, राज्य में कितने नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 10। पहले से ही झारखंड राज्य में 23 केंद्र स्थापित हैं, तो ये भी जाननी है कि पहले से 23 केंद्र हैं और अब नए से फिर खुले जाएंगे 10, तो नए कृषि विज्ञान केंद्र और 10 खुले जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे मिस इंडिया इंडिजिनस पुरस्कार मिला। यह अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों, हाल ही में किसे मिस इंडिया इंडिजिनस पुरस्कार मिला, इसका उत्तर होगा सावित्री टुडू, जो कि आदिवासी लड़की है, और यह जो पुरस्कार मिला वह जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मिला, सावित्री टुडू को मिस इंडिया इंडिजिनस पुरस्कार। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक मिला। हाल ही में किसे सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक मिला, इसका उत्तर हो जाएगा मधुमिता कुमारी, जो कि एक तीरंदाज है। झारखंड में बहुत सारे तीरंदाज हैं लेकिन
मधुमिता कुमारी को रजत पदक मिला सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में। और यह जो प्रतियोगिता हुई थी वह उड़ीसा के कटक के बारावती स्टेडियम में हुआ था। ये भी देखनी है, ये भी याद करनी है कि कटक के बारावती स्टेडियम में जो तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी उसमें मधुमिता कुमारी जो झारखंड की है उसे रजत पदक मिला था। झारखंड का कौन सा कारखाना मेक इन इंडिया का हब बनने की ओर अग्रसर है? तो दोस्तों यह है अगला करंट अफेयर कि मेक इन इंडिया का हब बनने की ओर अग्रसर कौन सा कारखाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों HEC रांची, जो धुरवा में है, रांची के धुरवा में HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, ये भी याद करनी है। अगला देखते हैं, कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण एथलेटिक्स में झारखंड की किस एथलीट को स्वर्ण पदक मिला? तो दोस्तों यह है अगला करंट अफेयर्स जो है, कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण एथलेटिक्स में झारखंड की किस एथलीट को स्वर्ण पदक मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस बारला। और इनको जो पुरस्कार मिला है वह 400 मीटर दौड़ में मिला है, फ्लोरेंस बारला, ये याद कर लेनी है। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोकारो जिले के फुसरो निवासी, फुसरो के रहने वाले हैं। और ये जो जयप्रकाश हैं वह सैनिक स्कूल तिलैया के छात्र रह चुके हैं दोस्तों, सैनिक स्कूल तिलैया, ये भी याद करनी है। और इन्होंने जब माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया तो वहाँ पर इन्होंने तिलैया स्कूल का झंडा भी फहराया था, ये भी जाननी है, ये भी याद कर लेनी है कि बोकारो के फुसरो निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश जो हैं वो माउंट एवरेस्ट को फतह किए। तो ये था दोस्तों कुछ झारखंड के करंट अफेयर जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसके बारे में जाना और इसको याद कर लेनी है दोस्तों, ताकि अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन तो फिर आप इनको याद कर लेना है और बना लेना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।